Matsukani, and I've always been identified as a mother. And seeing how seniors after 60, they struggle with their health. After 60, generally in India, I'm talking about, females feel that their life is over. They need to retire. There's got nothing much to do for them. And I started working on that, and I felt after 60, our life has just begun. Because a new look of Grow Younger. My book is all about Grow Younger, and I'm sure when you read this book, you will get inspired, because this specially I have written a journey of women who have never ending their roles, and they keep going, they keep going. They have too much of strength and power within them. But you just need to give a little push at the age of 50 or 60. So that's it. Thank you. My book. So I'm very excited कि मेरा book launch यहाँ हुआ World Trade Center में, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ये जो सपना था Grow Younger का, जो मैं senior citizen के लिए करती हूँ, उसमें मुझे इतनी सफलता मिली है, and I'm very happy, और बहुत सारे seniors की blessings है मेरे साथ. Generally क्या है, देखो 60 के बाद अक्सर मैंने बहुत देखा, लेडीज़ कहती है कि हमारी लाइफ फिनिश हो गई है. तो मैं चाहती हूँ कि इनको एक नई दिशा दूँ कि हमारी लाइफ अब शुरू हुई है, हमारे पास बहुत कुछ है अभी करने को. जैसे मेरे पास कुछ ग्रो यंगर टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ जो मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ वो भी मेरे साथ हैं. तो मिसेस बिमल कुमार हमेशा डे वन से मेरे साथ रही है काफ़ी सालों से, रश्मि रही है मेरे साथ काफ़ी सालों से. तो ये जो एक्टिविटीज़ है इनको बहुत मोटिवेट करती है और इनको अच्छा लगता है. और ये एक्टिविटी सिर्फ फिटनेस की नहीं है. आई डू काउंसलिंग, आई डू लॉट ऑफ टॉक्स, एडवेंचर्स, उनको बाहर ले जाती हूँ. लाइक वी डू योगा ऑन बीच, देन वी गो फॉर पानीपुरी, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ का स्टेज प्रोग्राम्स, रैंप वॉक, डांस शोज. तो इनको बहुत अच्छा लगता है रैंप वॉक. पता चलता है कि लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे जहन में आए, इस पर
जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी, तो वो कैसे फ्रजाइल होती गई, उसको हेल्थ इश्यूज ने कैसे उसका हो रहा था, लाइक यू नो द रिएक्शन ऑफ हर हेल्थ. सो शी गॉट कैंसर, डिमेंशिया. हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों से गुजरे हैं मम्मी को देखते हुए. तो मैं मम्मी के साथ हर वक्त साथ में रहती थी, और थैंक्स टू माई किड्स, जो मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते थे, हमने अपने मम्मी को, मतलब इन्होंने अपनी नानी को काफ़ी मोटिवेट किया विद एक्टिविटीज़. और मुझे लगा कि ये हर एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है. I need to add something in this. शुरू से ही, बचपन से ही हमने देखा है कि हमारी मम्मी, हमारी नानी, इनमें कोई लिमिटेशंस नहीं थे. लाइक यू नो माई फ्रेंड्स इन द कॉलेज, अगर मम्मी आती थी या नानी आती थी, बोलते थे इंट्रोड्यूस मी टू हर. आई एम लाइक, यू नो हु शी इज, योर ओल्डर सिस्टर. आई सेड शी इज माई मदर. सो इट वॉज लाइक ऑलवेज लाइक दैट थ्रू आउट. एंड विथ नानी, माई नानी, मेरे को ये एक इंसिडेंट याद है, जब हम एम्बी वैली गए थे. ओ माई गॉड. ओके, सो वी वेंट टू एम्बी वैली. मम्मी, मेरी नानी वाइट हेयर, वाइट सलवार कमीज, शी लव्स दैट लुक. इवन माई मदर लव्स दैट लुक. सो शी वॉज सिटिंग एंड वी वेंट ऑन जेट स्की. तो वी सेड, नानी यू सिट हियर, हम लोग जेट स्कीइंग करके आते. तो हम लोग का पूरा ग्रुप गया जेट स्कीइंग करने. ऑल ऑफ अ सडन आई लुक ऑन द राइट एंड आई एम लुकिंग ऑन द राइट, एंड देन आई टेल माई हस्बैंड, इज दैट माई नानी? एंड हम लोग सब स्टॉप करके वी आर लुकिंग एंड वी आर सीइंग वन गाय इन द फ्रंट. नो, शी इज इन द फ्रंट, वन गाय बिहाइंड, वाइट सलवार और बाल ऐसे उड़ रहे छोटी, एंड शी इज डूइंग जेट स्कीइंग. एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड. और अगर घर पे हम निंटेंडो वी खेलते थे, शी यूज्ड टू प्ले निंटेंडो वी, बोलिंग, वी वेंट टू सिंगापुर फॉर स्विमिंग एंड शी आल्सो वांटेड टू गो इन दैट इंफिनिटी पूल. सो आई सॉ, एंड शी यूज्ड टू प्ले लूडो एंड चीट इन इट. या व्हाट अबाउट हर डांसिंग एंड ऑल ऑफ दिस डांसिंग इन माय पार्टीज? आई मीन, हम लोग पार्टीज में डांस करते थे, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जोश मेरी नानी को होता था, इवन आफ्टर हैविंग अ नी ऑपरेशन. एंड यू नो दैट्स व्हाट केप्ट हर अलाइव टिल व्हाटएवर टाइम शी लिव्ड. शी lived to the fullest. She didn't live out of depression. She didn't live out of a lot of problems in life because she was a kid here. Yeah. And she used to tell this to everybody. Bolti thi, ek hi zindagi hai. Enjoy karo. Shaadi karna hai, nahi karna hai. Bacche paida karne hai, nahi karna hai. Enjoy karo. That's true. I'm the only daughter in the family that's not married yet. And she actually said that my nani would say to me, there's no pressure. You don't have to get married if you don't want to. You don't have to have kids if you don't want to. She was very open-minded, and what I've learned from my mother and my nanny is that your life doesn't begin at 60 or 50 or 30. Your life begins when you're born, and you have to make ready for it. Yeah. And this is, I think, why my mother got inspired by nanny, because nanny always said that being young, being old, it's all here. It's all here. And I see people younger to my nanny, younger to my mom, who've already given up in life. But that makes you old. Yep. Not your age, not your anything. It's here, what you think and what you haven't thought. Yeah. So that's how she... Meri mummy 84 ki thi, aur usne meri daughter ko ek tip diya. Bolti hai, naina beta, teko shaadi nahi kari hai, na nahi kari. You can have live-in relations. Matlab, she was so bindas. I've never heard a nanny speak like that. I was trying to not say that in the camera, but then I just... Mom said it. बहुत मिस कर रही हूँ. ये बुक इज डेडिकेटेड टू माय मदर. मेरी मम्मी की पिक्चर है इस बुक में, और उसी के वजह से जो मैं हूँ आज, उसी के वजह से हूँ. All of us, in fact. Yes, we all. All of us. वो सबके रोल मॉडल थे, यहाँ तक कि मेरे दोनों दामाद के भी. जब मेरे फ्रेंड्स घर पे आते थे, वो हम लोग से मिलने नहीं आते थे, सबसे पहले नानी के रूम में जाते थे. हम लोग बाद में आते थे. Isn't it? It's true. Yeah. And nani had the best taste in shopping as well. Like every time she would travel anywhere, and nani was a very frequent traveler. Nani would like to travel. She would have plans for New Year's, for Christmas. So she would, you know, everywhere she went, she used to buy us loads of presents and the most stylish, most trendiest things. Oh, what? And mere shooting mein Pune, but koi aaye na aaye, meri nani mere shooting pe pahunch jati thi. Yeah. She used to say, I don't care, I want to see. Yeah. Yes. And when I was in boarding school, nani would come. Nani bought a house next to the boarding school so that I was always in touch with the family. So she was a very strong, powerful woman, just like my mother, just like how my mom has always been there for us and supported.
supported us. And she's hot, my mother. And I want to read this book because I know what, I want to know what she did or what she does. I can't figure it out and I live with her. First thing, I like the Grow Younger group. I like this book. So I came here. Mala defies her age, not only by her looks, but by her dynamic attitude. Age is only a number. It has been her motto in life and has so beautifully touched everyone's lives to intake the same enthusiasm that she has. Her book will help senior citizens relive their life, finding their own purpose and sense of being. Her ability to contact with so many is worth every bit of her contribution to the society. Through her experience is very enriching. Her looks is highly recommended. Fitness, meditation, happy living, all of it can be found in this book. She teaches not only physical education, she tells how to control your mind, breathing exercise, and makes everybody fit. I'm 75, I'm very much impressed with her. Very good, yeah. I'm Mrs. Swaran Garcha. I've been associated with Mala for a couple of years, and my association is through Mrs. Kumar. And I've always been hearing a lot about her, and I've become a great admirer of her because the extent and the volume of activities that she conducts for people to stay younger mentally, physically, and in spirits is marvelous. Thank you. It's commendable. And now the icing on the cake is the book that she has written, and I'm very happy to be once again here at the launch of this book, which she has come out today. I wish her all the best. Thank in her so lovely 60s to do much more for us. She's an inspiration. Thank you. It's a